नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को अदालत में ब्लास्ट हुआ। धमाका अदालत की तीसरी मंजिल पर हुआ और स्थित दीवार ढह गई। बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत भी हो गई है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये धमाका तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास बाथरूम में हुआ। धमाका होने से कोर्ट की पूरी इमारत हिल गई। इमारत की खिड़कियों के शीशे चटक गए हैं और पार्किंग में खड़ी कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर मौजूद लोग सिलेंडर फटने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अभी धमाके के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। अदालत में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि वकीलों की हड़ताल के चलते आम दिनों की तुलना में गुरुवार को यहां भीड़ कम थी। आला पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। पुलिस बल ने कोर्ट परिसर को चारों तरफ से घेर लिया है। शहर भर में हाई अलर्ट जारी करते हुए नाकाबंद कर दी गई है। शहर में आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, धमाके की आवाज सुनकर लोग सत्ते में आ गए थे। वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका कैसे हुआ। ब्लास्ट ने सबको चौंका दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ देर में लुधियाना के लिए रवाना होंगे। जांच के लिए NIA NSG की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। फिलहाल वहां पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ब्लास्ट परिसर के दूसरे फ्लोर में हुआ है। धमाका किस चीज का था यह अभी साफ नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक यह ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ है। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है, इसलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी। लुधियाना ब्लास्ट पर पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान आया है। उन्होंने इसे साजिश बताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं मौके का जायजा लेने के लिए लुधियाना जा रहा हूं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, कुछ देश विरोधी ताकतों द्वारा ऐसी घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। इसे लेकर सरकार सचेत है, लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। बेअदबी की कोशिश की गई, सफल नहीं हुए, अब ब्लास्ट किया गया है। जी हां, आपको बता दें, जबरदस्त धमाके ने 6 मंजिला इमारत को हिलाकर रख दिया था। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि धमाका कोई बम ब्लास्ट है या सिलेंडर फटा है, लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ है उससे सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं लग रहा। आशंका है कि इसके पीछे कोई साजिश है जिसकी मंशा डर और दहशत फैलाना है। कोर्ट परिसर में हुए धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह धमाका चुनाव में मुद्दा और उसके पहले भी तनाव की वजह बन सकता है। यह ब्लास्ट पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।